बहुत ही खास चीज़ बनाना सिखाने वाली हूँ और आज की डिश का नाम है लॉन्ग छड़े। अब शायद आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लॉन्ग छड़े का कभी नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपका ताल्लुक कराची से है तो आपने लॉन्ग छड़े ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर ट्राई किए होंगे। और लॉन्ग छड़े की खास बात यह है कि अगर आप नॉर्मल पकौड़ों से रमज़ान में बोर हो गए हों तो लॉन्ग छड़े ज़रूर बनाएँ और ट्राई करें। इसकी खास एक चटनी बनती है, मैं आज आपको उसकी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, तो आइए और इंग्रीडियंट्स देखें। तो लॉन्ग छड़े बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान चाहिए होता है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है बेसन चाहिए हमें। बेसन मैंने ताशले में निकाल दिया है ताकि मुझे मिक्सिंग में आसानी हो। लोग बोल में भी मिक्स करते हैं, आपको जिसमें आसानी हो आप उसमें निकाल लें अपने हिसाब से। और मसालों में सिर्फ हमें चाहिए नमक, जो मैंने अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया है, और सोडा। सोडा फुल्कियों को फुलाता है। और नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा जितना आप नॉर्मल पकौड़ों में डालते हैं उससे थोड़ा सा कम रखिएगा। तो मुझे बेसन इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और डाल लेती हूँ। तकरीबन ये है 4 कप बेसन जो मैं ले रही हूँ अपने बनाने के हिसाब से। और पानी भी 3 से 4 कप है। अगर आपको कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, आप उस हिसाब से ले लें। हमें बैटर बहुत पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो। तो बस अब मिक्स करना शुरू करते हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख लें, ये इतना है थिक, बहुत ज़्यादा दिखे, मतलब रनी भी नहीं है कि बिल्कुल टपक रहा हो, पानी की तरह बह रहा हो। बस थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा पतला है, ऐसे बोल सकते, मतलब बीच का है। और सोडा मैं आपको क्वांटिटी बताना भूल गई कि मैंने सिर्फ 1 टीस्पून लिया है। बहुत ज़्यादा सोडा मत डालिएगा वरना वो बहुत बुरा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस 1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून से ज़्यादा अगर लेना चाहें तो 1.5 टीस्पून ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा प्लीज़। अब मैं इसको प्याले में निकालती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको चटनी की रेसिपी बताऊँगी। तो बेसन मैंने बोल में निकाल दिया है। आपको इसमें पानी की हल्की सी 1 टेबल स्पून की लेयर नज़र आ रही होगी, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ा ना हो तो मैं इसको आराम से मिक्स करके और कढ़ाई में डाल सकती हूँ। अब मैं इसको जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। और आइए, फ्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्राई करने के बाद हमने इसको डालना है पानी में, और पानी में कितनी देर भिगो कर रखना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आइए फ्राई करते हैं। तो ये पकौड़े मैंने तलने डाल दिए हैं, और इधर ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इनका साइज़ बड़ा हो रहा है। और इधर मैंने पानी भी एक बोल में निकाल कर रखा हुआ है ताकि मैं जब फ्राई करके उनको निकालूंगी तो इस पानी में डालूंगी भिगोने के लिए। अब जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो बस मैंने एक साइड टर्न कर दिया, अब मैं इसको पानी में डालूंगी निकाल के। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं और इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल निकाल कर इसका तो पानी में डाल दूँगी। तो इन फुल्कियों को आपको 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक पानी में भिगोना है जब तक इनका कलर ऑफ वाइट ना हो जाए। और जब ये बिल्कुल नरम हो जाए, जैसे कि अभी ये वाला नरम होना शुरू हो गया है, लेकिन ये वाला देखें थोड़ा सा सख्त लग रहा है, तो ये जब तक ब्राउन कलर इसका ख़त्म ना हो जाए, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 5 मिनट बाद इसको निचोड़ कर आप लोग एक सेपरेट प्लेट या ट्रे में निकाल लें। तो अब मैं आपको इसको निचोड़ना सिखा रही हूँ। ऐसे लेना है और बस हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये देखें पानी निकल जाए, और इस तरीके से निकाल निकाल कर आप पकड़ें। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे वरना आपका पकौड़ा टूट जाए। तो चटनी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है सबसे पहले इमली। इमली को मैंने पानी में डालकर अभी रखा है नरम करने के लिए, इसको मैं मिक्स कर लूँगी पानी में। उसके बाद ज़ीरा है 1 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक है, थोड़ा सा कम ही रखिएगा, ये 1 से 2 चुटकी है। लहसुन की जवें हैं 7 से 8, पुदीना है
एक मुट्ठी के बराबर, जिसमें आप सूखा हुआ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और साबुत लाल मिर्च है 8 से 10। और तो मैं ये सारा सामान और इमली का पानी मिक्सर में डालूंगी और चटनी को ग्राइंड करके निकाल लूंगी और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। तो मेरे लौंगचड़े तैयार हो चुके हैं और आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं आपको लौंगचड़े खाने का तरीका बताती हूँ। एक पकौड़ा उठाना है, उस पर डालने हैं आपने चटनी इस तरीके से, और उसमें आपने डालने हैं ऊपर ऐसे प्याज। मेरा तो रोज़ा मैं खा नहीं सकती, आपने जितनी प्याज एक्स्ट्रा डालनी है और चटनी एक्स्ट्रा डालनी है वो डालें और अच्छे से खा लें। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, मैं आपको दिखा दूँ तोड़ कर भी, मैं छोटा वाला तोड़ कर दूँ। चलो ये तोड़, ये देखें कितना आराम से टूट जाता है, मतलब मुँह में जाकर मेल्ट हो जाएगा, इतने मज़े के होते हैं। तो अगर आपको ये आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाना सीखनी है, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू।